Now we start with the cash flow from investing activities. So now we will be studying on the investing activities के बारे में पढ़ेंगे. So in accounting standard 3 जो revised हुआ था, cash flow statement investing activity is defined as follows, that investing activities of an enterprise are acquisition and disposal of the long-term assets and other instruments and other investments not included in cash equivalent. तो क्या बोलना चाहते हैं ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज आर एक्विजिशंस एंड डिस्पोजल ऑफ अ लॉन्ग टर्म एसेट्स को आपको डिस्पोजल करने हैं एंड अदर इन्वेस्टमेंट जो इंक्लूड नहीं होते हैं हमारे कैश इक्विवेलेंट में. तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा रिलेटिंग टू द फिक्स्ड एसेट्स, शेयर्स आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ऑफ अदर एंटरप्राइजेस, एडवांसेस एंड लोन्स टू थर्ड पार्टीज देंगे एंड ऑल्सो देयर रीपेमेंट्स आर क्लासिफाइड और शोन अंडर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताए जाएंगे. So cash flow from investment activities is shown separately because it shows ki batata hai ki extent to which investment have been made, aapne kitne investments made kiye hain for the resources of generating revenue, kyunki aapko revenue generate karna hai and cash flows karne hain in future mein. To cash flow from investment activities hamesha ascertained hota hai, usse aap analyze karoge change in fixed assets mein and long term investments aapke jo bhi honge uske andar mein in the beginning and at the end of the year mein. Ab iska jo format hai wo kis tarike se hoga, that is calculation of cash flow from investment activities particulars and amount rupees. सबसे पहले ए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ tangible or intangible fixed assets plus
proceeds from sale of investment other than marketable securities loans and advances that is short term or long term repayment received receipt of income from investment non-current and current investments other than marketable securities rent received from property held as investment dividend received on shares interest received on debentures तो ये सब आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर आप इसका टोटल मारेंगे तो ये था फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में कि प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल अगर आपका कोई भी टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स आप सेल करते हो फिक्स एसेट्स उसके एंट्री आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया तो वो इधर लिखोगे लोन्स एंड एडवांसेस आपके जो भी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म होते हैं आप जो रीपेमेंट करते हो और वो रिसीव्ड होते हैं आपको इधर लिखा जाएगा रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया उस पर रिसिप्ट आपको मिली है रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स तो ये सब यहाँ लिखे जाएंगे Then, B, cash used in investing activities, that is payments for purchase. Of tangible or intangible fixed assets payments for purchase of investment That is non-current and current investment other than marketable securities loans and advances given
तो इन सब की एंट्री यहाँ पे आप लिखेंगे और फिर इसका टोटल करेंगे एंड देन सी में कैश फ्लो फ्रॉम इफ ए इज मोर देन बी और कैश फ्लो यूज्ड इन इफ बी इज मोर देन ए तब इसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बोला जाएगा। फिर आपको ए में से बी को माइनस करना है, बी में से ए को माइनस करना है, उसके बाद जो अमाउंट आएगी दैट विल बी रिटर्न ओवर हियर। तो ये है आपके इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का फॉर्मेट। अब इसमें कभी कभी आपको ये फाइंड करना हो सकता है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाने बोल सकते हैं ये लोग। यस, दे कैन आस्क यू टू प्रिपेयर द फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट भी बनाने बोल सकते हैं। तो उसका डेबिट साइड में आप क्या क्या लिखोगे, तो सबसे पहले डेबिट साइड में उसका टू बैलेंस आ जाएगा ब्रॉड डाउन जो आप लेके आओगे, फी टू गेन होगा आपको या प्रॉफिट होगा ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिर अगर आपने परचेज किया होगा कोई दूसरी एसेट्स तो उसकी एंट्री इधर लिखी जाएगी, नाउ क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट अगर आपने सेल किया होगा, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। And this is credit side. Particular amount rupees आ जाएगा इधर। अब इसका मतलब है कि या तो हो सकता है कि आपको यहां पे ये फाइन करना पड़ सकता है गेन, या हो सकता है कि आपको लॉस फाइन करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो ओपनिंग दे दें, क्लोजिंग भी दे दें, डेप्रिसिएशन भी दे दें, तो आपको या तो गेन फाइन करना पड़े या लॉस फाइन करना पड़े। सेल क्या होगा तो इधर आ जाएगी, परचेज क्या होगा तो एंट्री इधर आ जाएगी। तो डिपेंड करेगा कि आपका सम कैसा है उसके ऊपर। So, question number 23. Mars Limited has plant and machinery whose written down value on 1st April 2019 was 9,60,000 and on 31st March 2020 was 10,50,000. Depreciation for the year was 35,000. In the beginning of the year, a part of plant was sold for 4,50,000, which was written down value of 30,000. So cash flow from investment activity आपको बनाना है। But before that, we will prepare the plant account. तो यहाँ ऊपर हम लिख देंगे working note. So now over here particulars, amount, particular amount, credit and debit.
सबसे पहले हम इधर क्या लिख देते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर हम देखें तो हमारा जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था वो ओपनिंग में ही दे रखा है, 9,60,000 ओपनिंग था। फिर क्लोजिंग भी आपको दे दिया गया था, तो हम क्लोजिंग भी लिख देते हैं बाई बैलेंस 10,50,000। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वॉज 35,000। सो इधर मैं लिख देता हूं बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 35,000। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अ पार्ट ऑफ प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 45,000 के लिए आपने सोल्ड कर दिया था पार्ट प्लांट, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई बैंक, क्योंकि आपने सोल्ड किया था पार्ट, तो 45,000। इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 45,000 विच हैज अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 30,000। सेल ऑफ ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आपको कितना हुआ, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 45,000 में आपने सोल्ड किया जिसकी वैल्यू थी 30,000, मतलब आपको 15,000 रुपए का फायदा हुआ। तो जो इंफॉर्मेशन बोली थी वो सब हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब इसका हम टोटल करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे 9,60,000 और 15,000 दिख रहा है, या 10,50,000 दिख रहा है, मतलब इसका टोटल ज्यादा दिख रहा है। तो 45 and 35 will be 80, सो 10,50,000 में मैं 80 ऐड करूंगा तो 11,30,000 हो जाएगा। सो 11,30,000, सो 9,60,000 में मैं 15,000 ऐड करूंगा तो दैट विल बी 9,75,000 और हमारा है 11,30,000। सो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस वुड बी 1,55,000 का। अब अगर ये डिफरेंस आया सो दैट मींस आपने यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, मतलब आपने परचेज किया है एसेट्स, तो ये परचेज दिस इज अ क्वेश्चन मार्क आपने फाइंड किया। तो अब इसका हम स्टेटमेंट बनाएंगे ये बनाने के बाद, सो वी राइट डाउन ओवर हियर। सो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर एंड अमाउंट रुपीज। तो यहाँ पे आ जाएगा सेल ऑफ प्लांट, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा, तो सेल ऑफ प्लांट 45,000। इसमें से माइनस करेंगे आपने जो परचेज किया, परचेज ऑफ प्लांट 1,55,000, सो द डिफरेंस इज 1,10,000 ब्रैकेट में। तो इसका मतलब है दिस इज यूज्ड इन, सो नेट कैश यूज्ड इन आया इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 24, जहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर इज गिवन 10,00,000, 5,00,000 इन लैंड एंड बिल्डिंग 15,00,000, 9,00,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वे सोल्ड एट 10% प्रॉफिट।
डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 50,000 फॉर द ईयर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 75,000। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट का कॉलम बना लेते हैं वर्किंग नोट। चलिए तो सबसे पहले आपका टू बैलेंस लिख देते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट ओपनिंग है 5 लाख बाय बैलेंस सीडी इज गिवन 10 लाख। चलो अब इन्वेस्टमेंट का देखते हैं दूसरी साइड और क्या क्या दे रखा है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। ओके तो 2.5 लाख जो रुपया था मतलब 5 लाख जो स्टार्टिंग है उसका 50% आपने 2,50,000 को 10% प्रॉफिट पे बेचा था तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो 2,75,000 में सोल्ड किया तो इसीलिए आप इधर लिख देंगे बाय बैंक ब्रैकेट में सेल 2,75,000। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 75,000। ओके सो अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ था 75,000 रुपीज आपको। So now over here, we will write down two statement of profit and loss account क्योंकि हमारे पास अभी भी 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट पड़ा है और उसका मुझे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। So that comes to 25,000। जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी। तो बाकी का जो 25,000 था वो एंट्री आ जाएगी। इसका टोटल करेंगे तो 12,75,000 और अब जो डिफरेंस आएगा दैट इज परचेज हो जाएगा। सो टू बैंक अकाउंट परचेज सो 5,25,000 माइनस करेंगे तो 7,50,000 रुपीज आएगा। दैट मीन्स ये हमने परचेज किया। सेम वे आप लैंड एंड बिल्डिंग का बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट अब उसी तरीके से आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग पहले लिख दोगे। चलो ओपनिंग कितना दे रखा है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी 15 लाख। डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग था 50,000 रुपये और कुछ दे नहीं रखा है तो दैट मीन्स इसको क्लोज किया 15,50,000 9 लाख में से जाएगा तो 6,50,000 का डिफरेंस आएगा and that will be considered as two bank account purchase.
मतलब पहले आपको ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप दे सकते हो कैलकुलेशन। ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पैसा आया, सो 2,75,000। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000। टोटल किया 3,50,000। फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने किया वो माइनस होगा, तो एक काम करते हैं 7,50,000 इनर कॉलम में लिखते हैं। फिर आपने परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग किया, सिक्स लैख 50,000। सो द आउटर कॉलम विल गो टू 14 लैख। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10,50,000 ब्रैकेट में आया, मतलब यूज्ड इन हो गया। सो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो इन क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। यू हैव बीन गिवन पर्टिकुलर्स प्लांट एंड मशीनरी, 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2019 का बैलेंस था 10,08,50,000। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म 1,40,000 एंड लैंड में एट कॉस्ट 1,00,000 एंड 2,00,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹50,000। प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट, एंड आफ्टर मशीनरी अकाउंट वी विल प्रिपेयर द लैंड अकाउंट ऑल्सो। सो इन मशीनरी अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले इनका ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,50,000 बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड इज गिवन 10 लाख क्लोजिंग। ये आपको दिया हुआ ही है इन द फर्स्ट लाइन, प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वॉज 50,000, सो बाई डेप्रीशिएशन जो आपके पीएनएल अकाउंट में आएंगे 50,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा था कि प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लॉस हुआ, सो बाय बैंक क्योंकि आपने सेल किया है 40,000 का।
एंड 20,000 का आपको लॉस हुआ क्योंकि 60,000 की वैल्यू को 40,000 में सेल किया। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको लॉस हुआ। और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, इसका मतलब है हमको इसको क्लोज करना होगा। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल होगा, सो 10,70,90 एंड 10, तो 11,10,000 हो गया टोटल। 11,10,000 का टोटल, तो 70,000 और साथ में आएगा 10, 11, 12, तो 2,60,000 का डिफरेंस आएगा। सो दैट विल बी रिटर्न एज टू बैंक अकाउंट क्योंकि ये परचेज है। और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमने ये फाइंड किया। नाउ वी विल प्रिपेयर द लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड का। सो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, चल तो लैंड का ओपनिंग लिख देते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 2 लाख, क्लोजिंग बाय बैलेंस सी एफ या कैरी डाउन भी लिख सकते हो 1 लाख, डेप्रिसिएशन तो उसका था, लैंड भी था। लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 में आपने सोल्ड किया प्रॉफिट में, तो इसीलिए इधर आप लिख दोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 60,000। तो इसका मतलब है कि इधर जो डिफरेंस आएगा वो होगा सेल का क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन तो दे नहीं रखी है। तो दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस क्योंकि यहाँ पे टोटल है 2,60,000, 1 लाख, सो 2,60,000 में से 1 लाख गया, तो 1,60,000। तो ये है आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। नाउ अब आप इसके बेस पे बनाएंगे आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। तो आप सबसे पहले लिख देंगे सेल ऑफ मशीन, आपकी मशीन सेल हुई 40,000, सेल ऑफ लैंड पैसा आएगा 1,60,000, सो 2 लाख। अब आपने परचेज किया, परचेज ऑफ मशीनरी 2,60,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000। सो जब ये आउटर कॉलम जाएगा तब 3,20,000 और 2 लाख में से गया तो 1,20,000 माइनस में आया। तो इसीलिए आप बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो यहां पे आपका सम खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 27। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 28,
इन क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा था फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट करो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. यू हैव बीन गिवन गुडविल पैटर्न्स लैंड फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी नेट 10% इन्वेस्टमेंट एक्रूड इनवाइटर्स ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट्स. ओके तो आपको एक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करनी है. ओके सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज चल. तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेल ऑफ लैंड क्योंकि पैसा आया. तो कितना पैसा आपको मिला, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है कि लैंड था पहले 1 लाख और बाद में हो गया 90,000. मतलब आपने 10,000 का लैंड सेल किया. देन वॉज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो आप पे आपका इन्वेस्टमेंट था 2 लाख, फिर हुआ 1,80,000, तो 20,000 का सोल्ड हुआ. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो 10% इन्वेस्टमेंट. सो 10% ऑफ 2 लाख निकालोगे सो 20,000 आएगा. एंड 10% ऑफ 1,80,000 निकालोगे तो 18,000 आएगा. 10% एंड उसमें से भी उन्होंने बोला था सेल वेल करने के लिए. सो ओवर हियर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर में वर्ड लिखा गया था accrued इन्वाइटर्स ऑन इन्वेस्टमेंट इज 6,000 गिवन. मतलब 14,000 रुपया बाकी. सो दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 14,000. 20,000 में से 6,000 माइनस हो जाएंगे तो 14,000 टोटल 44,000. अब आप इसमें से लेस कर देंगे पैटर्न्स परचेस्ड. आपने पैटर्न परचेज किया है क्योंकि 75 से 1 लाख हो गया, मतलब 25,000 परचेस्ड. फर्नीचर परचेस्ड तो आपका फर्नीचर पहले 21 था, फिर हो गया 2,46,000. मतलब आपने 2,25,000 का फर्नीचर परचेज किया. So outer column is 2,50,000. So इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट 2,06,000. सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेट कैश यूज इन, क्योंकि जब भी नेगेटिव आएगा तो यूज इन आएगा, इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. Moving towards the question number 29. So question number 29 में आपको क्या लिखा गया है कि from the following particulars calculate करो cash flow from investment activities. Particulars
परचेज एंड सोल्ड दिया भाई, मशीनरी आपने परचेज किया 6,20,000 सोल्ड किया, 2 लाख इन्वेस्टमेंट था, 2,40,000 सोल्ड है, 80,000 गुडविल इज, 1 लाख पैटेंट्स, 1,50,000 एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 रुपीज, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स इशूड 20,000, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, अ प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेज एंड वॉज लेट आउट अवर कॉमर्शियल यूज, रेंट रिसीव्ड 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो हमें अब फाइन यहाँ पे करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस सबसे पहले तो आप यहाँ लिख देंगे कि आपको मनी आ रहा है, तो दैट इज सेल करने से मनी आएगा, तो सेल ऑफ मशीनरी किया आपने, तो सेल ऑफ मशीनरी आपने की है क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि आपने मशीनरी सोल्ड किया था 2 लाख रुपए, तो आपने इधर लिख दिया 2 लाख रुपीज। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आपका इन्वेस्टमेंट सोल्ड 80,000, आपने पैटर्न को सेल किया है तो सेल ऑफ पैटर्न दैट इज 1,50,000। फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड पे दैट इज 8,000 गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स 20,000। फिर आपको रेंट भी मिलता है, रेंट रिसीव 50,000 इन द लास्ट एडजस्टमेंट। अब आप इसका टोटल करेंगे तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8,000। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपने क्या क्या किया, दैट इज परचेज ऑफ मशीनरी 6,20,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,40,000 एंड देन परचेज ऑफ गुडविल। आपने गुडविल भी खरीदा 1 लाख, सो 6, 7, 8, 9, 9,60,000 इसे आप सेपरेट करेंगे तो यू विल गेट द डिफरेंस 4,52,000 डिफरेंस। सो दैट विल बी योर नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो यहां पे आपका एंड होता है कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का।